हेलो फ्रेंड्स, सविता का किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले की सब्ज़ी, जो बिल्कुल मछली के जैसे ही बनती है और स्वाद में बिल्कुल मछली के जैसी ही लगती है। तो आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। केले की सब्ज़ी बनाने के लिए हम दो केले लिए हैं, जो बिल्कुल ही कच्चा है। तो इसे आगे और पीछे के भाग को काट देंगे, फिर इसे हम धो करके इसके छिलके उतार लेंगे। तो छिलके हम चाकू से ही उतार रहे हैं, आप देख सकते हैं। छिलका उतारने के बाद हम केले को नहीं धोएंगे, बिना धोए ही हम केले को काटेंगे। तो इसका हम छिलका अच्छे से उतार लेंगे। इस पर थोड़ा सा भी ग्रीन कलर का नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये अच्छे नहीं बनेंगे सब्जी। तो हमने केला को छील लिया है अच्छे से, इसका हमने छिलका हटा लिया है। तो अब हम केले को काट लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो ही केले की सब्ज़ी बनाएंगे, तो इसे लंबा लंबा काट लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हम पतला पतला और लंबा लंबा काट रहे हैं। तो इस तरीके से आप केले को कट कर सकते हैं। हमने केले को काट लिया है। कटे हुए केले को अब हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। यहाँ पर अब हम एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। लहसुन का पेस्ट आप ज़रूर डालें और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने अदरक का पेस्ट नहीं डाला है। इसमें हम अब लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कर लीजिएगा। इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल हमने सरसों का लिया है। तेल गरम होने के बाद इसमें हम केले को डाल देते हैं तलने के लिए। इसे हम मीडियम से हाई फ्लेम पर ही तलेंगे। एक एक करके केले को हम डाल देते हैं तेल में फ्राई होने के लिए और इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से ये पक जाए। केले के छिलके की भुजिया की रेसिपी आप हमारे चैनल सविता का किचन में जा करके देख सकते हैं। केला जो है फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं और जो बाकी केले हैं उसको भी हम डाल करके तल लेते हैं। केला बहुत ही फायदेमंद होता है, तो हमें केला ज़रूर खाना चाहिए। फ्राई किए हुए केले भी स्नैक्स के रूप में आप खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा बिना ग्रेवी का ही। तो इसे हम पलट पलट के ही तलेंगे। ये भी तल गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं फ्राई किए हुए केले का कलर कितना अच्छा आया है। तलने के बाद कढ़ाई में ज़्यादा तेल था, तो उसे हमने और निकाल लिया है और उसी में छोड़ दिया है। तो उसमें अब हम मेथी डाल देते हैं। इसमें हम लहसुन, सरसों और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं और अच्छे से इसे फ्राई कर लेते हैं चलाते हुए। केले की सब्ज़ी में सरसों का पेस्ट आप ज़रूर डालें, उससे सब्ज़ी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करके चलाते रहेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और इसे भी मिक्स करके चला लेते हैं, ताकि अच्छे से भून जाए। अब हम इसमें काली मिर्च डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से हम भून लेते हैं। मसाला हमारी भून गई है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। इसमें हम पानी एक कटोरी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आप चावल पे खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। रोटी या पराठे के साथ खाना चाहते हैं तो पानी को और थोड़ा कम कर सकते हैं। इसे हम ढक देते हैं उबलने के लिए। ढक्कन हटाने के बाद हम चेक कर लेते हैं, इसमें उबाल आ गया है। आप देख सकते हैं कि मसालों ने तेल छोड़ दिया है। तो इसमें अब हम फ्राई किए हुए केले डाल देते हैं और इसे ढक करके छोड़ देते हैं पकने के लिए। ढक्कन हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से उबाल आ रही है, ये पक गया है बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मछली के जैसा बना है और इसका स्वाद बिल्कुल मछली के जैसा ही लगेगा। तो यहाँ पर हम गैस को बंद कर देते हैं। सब्ज़ी जो है रसदार सब्ज़ी बनी है।
अगर आप इससे भी रसदार सब्ज़ी खाना चाहते हैं तो यहाँ पे गरम पानी डाल सकते हैं। तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। सब्ज़ी जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतना ही खाने में भी अच्छी लगेगी, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इसे हम धनिया के पत्ते से गार्निशिंग कर लेते हैं। इस सब्ज़ी को सभी पसंद करते हैं खाने में, छोटे से लेके बड़े भी, तो ज़रूर आप इस सब्ज़ी को बनाएं। केले की सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। इसे आप रोटी पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो भूलिएगा नहीं, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।